हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। किस तरह से आपने 6 हीरे बेहतरीन हीरे चुनकर मुल्क में आपने तलाश किए, JIT बनाई उन हीरों पे, और किस तरह एक ही बेंच ने बार बार फैसले किए। जिन्होंने डिक्टेटर को तहफुज दिया उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया, कभी 2 कभी 3 तो कभी 5 जजेस ने केस सुना, मामला पैनमा पर उठाया और नतीजा अकामे पर हुआ। हमारा एहतसाब करने वालों कभी माजी की हुकूमतों को भी खंगालो। नवाज शरीफ का रिवायती अंदाज, क्वेटा में अदालती फैसलों के खिलाफ किए खूब वार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कप्तान पर खूब बरसे, इमरान खान को नाकारा क्रिकेटर और PTI को नाचने गाने वाली जमात करार दिया। बोले खैबर पख्तूनख्वा की हालत आज अगर खराब है तो उसकी वजह एक क्रिकेटर है। नजरियाती हम आहंगी या नई सियासी चाल, नवाज शरीफ ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नून लीग को एक करार दे दिया। कहते हैं मिलकर आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की खातिर शीशा लगाया है, मैंने कहा मेरी सिक्योरिटी अल्लाह के हाथ में है, उस अल्लाह के हाथ में है जो सबकी सिक्योरिटी का वारिस है। कुर्सी से जाने के बाद नवाज शरीफ बेखौफ, ना ही गोली का डर ना ही किसी बात की फिक्र, डाइस पर पहुंचे तो बुलेट प्रूफ ग्लास भी हटवा दिया। कहते हैं आवाम और मेरे दरमियान शीशा भी हो तो बर्दाश्त है। पेशावर में दहशतगर्दों की कार्रवाई में जब हक तमाम 9 अफराद की शनाख्त हो गई, 15 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज, हमले का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी कत्ल, इकदाम कत्ल और हमलों की दफात शामिल। पेशावर यूनिवर्सिटी हमले में दहशतगर्दों ने रिक्शे का इस्तेमाल किया, रिक्शे की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर जाली निकले, हमले की मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में धरना तो खत्म हो गया मगर हुकूमत के सर पर डेडलाइन की तलवार लटकने लगी, मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 1 माह की शर्त का आज पहला रोज है, बोले कि शर्त ना मानी गई तो फिर धरना देंगे। दराड़े दर दराड़े पड़ने लगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में 5वां धड़ा भी बन गया। MQM के साबिक मरकजी रहनुमा सलीम शहजाद का अलहदा पार्टी बनाने का ऐलान, कहते हैं पार्टी में ना टारगेट किलर्स होंगे और ना ही चाइना कटिंग वाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 3 दरखास्तों की कॉज लिस्ट जारी कर दी, नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्तों पर फैसला 4 दिसंबर को सुनाया जाएगा। दो हजार 12-13 से ये धरनों की यहाँ पर एक सियासत का आगाज किया गया और इन लाइन पर जिन्होंने सफर करना है इंशाल्लाह करेंगे। छोटे मियाँ भी बड़े मियाँ के पेश पेश, शहबाज शरीफ का कप्तान पर वार, बोले कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं, उन्होंने अपने धरनों से अवाम को मुश्किलात में डाला और हमने अस्पताल और मेट्रो लाइन बनाकर अवामी मुश्किलात को आसान किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद पर PTI के बाउंसर्स, फवाद चौधरी बोले कि मियाँ साहब की सियासत मेहरान बैंक की मोहताज रही, पैनमा ने उनकी सियासत और कमाई का पर्दाफाश किया। पंजाब के वजीर कानून ने मुर्शिद चुन लिया, राणा सनाउल्ला नवाज शरीफ के सियासी मुरीद बन गए, कहते हैं सियासत में उनका पीर नवाज शरीफ है।
मजबूरी ने हाथों में कपड़ा थमा दिया, रोटी के हुसूल ने गली गली फिराया। कराची का कम उम्र इजाज मट्टी के बर्तन बेचने लगा, स्कूल जाने की उम्र में गलियों की खाक छानने पर मजबूर है। महज इल्जाम पर नौजवान को आग लगा दी गई। लाहौर में मोबाइल फोन चोरी के इल्जाम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, डॉक्टर्स के मुताबिक लड़के की हालत खतरे से बाहर। जनूबी चिली में ग्लेशियर्स का एक बड़ा टुकड़ा टूटा तो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। आइसबर्ग का दिलकश नजारा देखने लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए। चौदह साल बाद अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक साले नेक बेटा अता फरमाया। कद छोटा लेकिन खुशी बड़ी। पतोकी में 14 साल बाद 3 फिट के हाफिज और 2.5 फिट की हफीजा के यहाँ नन्ना मेहमान आया और खुशियां साथ लाया। मुन्ने की आमद पर पूरा इलाका खुशी से शाद। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं नवाज शरीफ से, जिन्होंने आज एक बार फिर अदालतों से इंसाफ पर सवाल उठा दिया और कहा कि मेरे खिलाफ फैसला कौन दे रहा है, वो जो डिक्टेटर्स को तहफुज देते रहे। 6 बेहतरीन हीरे तलाश करके जेआईटी बनाई गई, कभी 2 कभी 3 और कभी 5 जजेस ने ये केस सुना। माजी की हुकूमतों का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि कभी तो उनका एहतसाब करो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पख्तून रहनुमा अब्दुल समद खान की बरसी के मौके पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि नाचने गाने वाले 2018 के इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने अदालती फैसले के खिलाफ अवाम से शेम शेम के नारे भी लगवाए। किस तरह से आपने 6 हीरे, बेहतरीन हीरे चुनकर मुल्क में आपने तलाश किए, जेआईटी बनाई उन हीरों पे, और किस तरह एक ही बेंच ने बार बार फैसले किए, कभी 2 कभी 3 और कभी 5 जजों ने। इसलिए मुझे निकाला कि मैंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। और सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं, जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं, पीसीओ को चैत हल्फ लेते रहे हैं। मेरा तो इंतजाम करते हो, मेरा एहतसाब के नाम पे नवाज शरीफ से इंतकाम लेते हो। जब -1 के लिए कोई बहाना नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने जो वो एक वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर दिया, वो क्या -1 होगा जिसे हम आम प्लस कर दे। अगर आप प्लस करेंगे तो वो -1 हो सकता है। क्रिकेटर कहता था ये जंगला बस है और आप कोई जंगला बस पिशावर में बनाने की कोशिश कर रहा है। 5 साल होने वाले हैं 6 महीने के बाद, उनसे वो मेट्रो बस पिशावर में नहीं बन सकी। हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, हम इंशाल्लाह बलोचिस्तान के अंदर क्वेटा में मेट्रो बस बनाएंगे इंशाल्लाह। बड़े भाई तो एक तरफ, छोटे भाई वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क की तरक्की में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया है। उनका कहना है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि धरने मुल्क की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन हम इन धरनों का जवाब फलाही मंसूबों की तकमील से देंगे। 2012-13 से धरनों की एक सियासत का आगाज किया गया, ताहिरुल कादरी साहब ने 2012-13 में किया था और बदकिस्मती से अब उसकी इस मुल्क के अंदर एक बहुत तेजी से एक रिवाज पैदा हो रहा है। लेकिन हमें उनसे न घबराना है न परेशान होना है। ये जो अस्पताल है, मैं समझता हूँ कि धरनों का जवाब है। शहर के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए जो ऑरेंज लाइन पे जिन्होंने सफर करना है, इंशाल्लाह करेंगे, तो उनके लिए जो तकलीफ और दुख और मुसीबतें उन्होंने पैदा की हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पटिशनर्स ने, मैं समझता हूँ कि वो अवाम की अदालत में भी और खुदा की अदालत में भी और अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में भी वो जवाब दें। अपने रोजगार के लिए वक्त पर पहुँच रहे हैं, उनसे पूछें उनके दिल पर कितने निश्तर बरस रहे हैं इस ताखीर की बिना पर, और इसकी 100% जिम्मेदारी जनाब इमरान खान नियाजी हैं और उनकी पीटीआई है।
तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। ईरान को नहीं तनकीद उन्होंने की, उन्होंने दलिया को कहा कि वो माजी में पीसीओ के ऊपर हलफ उठाते रहे हैं और इस वक्त नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपना माजी फरामोश कर गए कि यानी जनरल जियाउल हक और जनरल जनानी के पंगूड़े में पलने वाली उनकी सियासत और उनके दलालों में जवान होने वाली, फिर आईएसआई से पैसे जो है वो किसने लिए, फिर उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए, ये सारी बातें फरामोश करके उन्होंने अजलिया को अपना निशाने पर रखा। तो जो लोग अपने माजी को याद नहीं रखते उनका हाल बुरा होता है, जैसा कि नवाज शरीफ साहब का है, और ऐसे लोगों का फिर मुस्तकबिल भी नहीं हुआ करता। असल में शहीद फैमिली ने अपने खानदान का नाम ही मुल्क रखा हुआ है और अपनी तरक्की को वो मुल्क की तरक्की गर्दानते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जिस तरह से नवाज शरीफ के 1990 और 93 के दौरान जो सनती यूनिट थे वो 7 से बढ़कर 32 हो गए इनकी अपनी फैमिली के। एक था उस वक्त 1980s में, फिर जब वजीर आला बने तो 7 हुए और जब वजीर आजम बने तो वो 32 हो गए। तो इस तरक्की को वो समझते हैं कि वो मुल्क की तरक्की है। और अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसने नवाज शरीफ की तीनों दरखास्तों की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्तों पर फैसला 4 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नैब रेफरेंसेस को यकजा करने से मुतालिक दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला 4 दिसंबर को सुना रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला तहरीर किया है। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड, अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस यकजा करने की इस्तदा कर रखी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब रेफरेंस यकजा करने की दरख्वास्त पर एतराजात के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील मुस्तरद करके समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट 184/3 में किसी भी फैसले को खिलाफ कानून करार दे सकती है। अदालत कई मुकदमात में पहले भी फैसलों का दोबारा जायजा ले चुकी है। पेशावर में जरिए तरबियती इदारे में दहशतगर्दी के वाकई की तहकीकात जारी है। हमले में इस्तेमाल होने वाले रिक्शे की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर जाली निकले। वाकई का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। शोधा की शनाख्त भी कर ली गई है। 4 तलबा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जबकि 15 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पिशावर में जरी डायरेक्टरेट हमले की तहकीकात तेजी से जारी हैं। दहशतगर्दी में इस्तेमाल रक्षे की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं और रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर जैली निकले। रक्षा इब्राहिम नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर है। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली है। हमले में शहीद 8 तालिब इल्मों की शनाख्त हो गई और 4 तालिब इल्मों की लाशें आबाई इलाकों को भी रवाना कर दी गयी। हलाक दहशतगर्दों की लाशें भी मुर्दा खाने में मौजूद हैं, जिनकी शनाख्त की कोशिश की जा रही है। हमले के 15 जख्मी ताहाल खैबर टीचिंग अस्पताल, हयातबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और CMH में जेरे इलाज है। शहर में तालीमी अदारे भी सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद रहे, जबकि जरी डायरेक्टोरेट गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। पिशावर जरी डायरेक्टोरेट पर दहशतगर्दों से मुकाबले में कई बहादुरी की दास्तानें रकम हुई। सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल हमीद फर्ज की अदायगी में अपनी जान पर खिल गया। जख्मी तलबा भी कहते हैं कि दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं है। सिविल सोसाइटी भी शोधा को शमे जलाकर खिराज अकीदत पेश कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर के नवाही इलाके बुढ़नी का बहादुर जवान अब्दुल हमीद एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट में दहशतगर्दों के सामने पहली चट्टान बना और जामे शहादत नोश किया। शहीद के घर पर ताजियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। मरना सबको है, लेकिन उसकी मौत एक अच्छी तरीके से हुई, शहीद हुए और हमको भी
उसकी शहादत पर बहुत फख्र है। हुकूमत से यही मुतालबात है कि हमारे लिए कुछ ऐसा करे कि उसकी कमी महसूस ना हो, वो हमारा सहारा था। अब्दुल हमीद हमला आवरों को रोकने की कोशिश ना करता तो जानी नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था।